किनारे की ये तस्वीर हैरान परेशान करने वाली है, क्योंकि सैकड़ों मछलियां यमुना किनारे मरी पड़ी हैं। ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यमुना का पानी जहरीला हो चुका है, इसीलिए मछलियां मर रही हैं। दरअसल दिल्ली में यमुना हरियाणा से होकर आती है। कहा जाता है कि ड्रेन नंबर 8 में हरियाणा के कई औद्योगिक क्षेत्रों से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में पल्ला के पास यमुना जहरीली हो गई है। इसी वजह से मछलियां मर रही हैं। मछली 4 रोज हो गए मरते, आज तो अंत की होगी। यमुना में इतनी मछली मर रही है जिसकी कोई हद नहीं, कोई मछली नहीं बच रही है यमुना, मर नहीं रही। कारण क्या है यमुना में मछली? गंदे पानी से सब मछलियां जितनी भी आ रही है देखे, ये सब मरी हुई तो आ रही है, सब मरने लग रही है, पुड़क पुड़क कर रही है और मर रही है। ये 8 नंबर नहर का पानी जो छोड़ रहे हैं, उसका सोनीपत का सारा केमिकल पानी जो फैक्ट्री होगा वो सारा यमुना में छोड़ दिया, इसकी वजह से मछली पानी जहरीला हो चुका है, इसकी वजह से सारी मछली मर। एक साथ बड़ी संख्या में मछलियों के मारे जाने से नदी किनारे मृत मछलियों का जमावड़ा लग गया है, जिससे भयानक बदबू आना शुरू हो गया है। आसपास खेती करने वाले किसान इससे काफी परेशान हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बुरा हाल है सर, ये तो 8 नंबर ढेसरा वाला जो नाला जो आया है वो ऐसा पानी तेजाब लेकिन छोड़ा है जहरीला, पूरा जीवा जन सारे मरे जा रहा है, नीचा मुहे इतना बदबू दे रहा है, ऊपर तक 1 किलोमीटर तक बदबू जा रहा है। परेशान भी है, सारे खेती वाला परेशान है, हम लोग भी परेशान है, 15-16-20 आदमी है हम लोग, 50 सब हम लोग परेशान हो चुके हैं, बैठे हुए हैं। यही है बुरा हाल कि गंदा नाला का पानी जो आ रहा है ना, वो पूरा जीवा जंतु लड़का बच्चा सब जो भी नहा रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है, और दूसरे में इतना ना मछली मर गया कि हम लोग भूखे मरने पड़ते यार। आग से आंसू गिर रहा है, 4 महीना पहले आया था, 2 लगा, मतलब कि जो 2 हाल हो जाएगा तो हम लोग मलाह मर जाएंगे, गाड़ी सारे मर गए। तो यहाँ हड़ताल भी होता है? हाँ, हर ये तो मतलब 5-6 साल से हम सुन रहे हैं। हाँ, फिलहाल के हम 5-6 साल से सुन रहे हैं, साल में हर 1-3 बार छोड़ देते हैं लोग। आसपास के लोग दूषित पानी की वजह से चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी यमुना का पानी दिल्ली में पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। सोचिए, जिस पानी में रहकर मछलियों की मौत हो रही है, उस पानी को पीने से इंसानों को कितना नुकसान हो रहा होगा, लेकिन इस तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है।